हाल तो यू है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यार भी हो रहा है टाइम आफ्टरनून के हो रहे हैं एक, ठीक है, और थोड़ा काम था तो उसके लिए आए, ठीक है, कज़न के पास, और वहाँ पे मेरा जो छोटा भाई है वो भी है, तो इंशाल्लाह उनके साथ गपशप मारेंगे। और भाई का थोड़ा काम है तो एक जॉब है, उसके लिए बंदे की ज़रूरत थी, वैकेंसी है खाली, तो मैंने कहा चलो मेरा भाई है ना छोटा, तो उसके पास आई हूँ, भाई को लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और यार अभी गेट में एक मसला ये हुआ था कि को पता है ना कि जब आपके पास कोई कार्ड वगैरह ना हो ना, कॉलोनी का अपने पास वगैरह होते कार्ड होते, ठीक है, मेरे पास था ही नहीं, पर अब लोगों को पता है ना, भाई ने थोड़ा चेंज लोग करके थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह थोड़ा यूज़ करके, मतलब हाँ कहते, मैंने कहा कहते रिहाइश, मैंने कहा हाँ जी रिहाइश है, तो वो सारा कुछ करके रिहाइश वगैरह को बोल के थोड़ा सा एक मतलब हो गया कि हाँ भाई ये है, ये इधरी का है, छोड़ दिया है। तो अभी जाते हैं, तो मेन गेट है, दूसरा आया है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, ये दूसरा गेट है। तो सीन ये था यार कि मैं बहुत टाइम से ना देख रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है जलसे वगैरह भी बोलते रहते हैं, ठीक है, धरने शरने, पता नहीं रोड वगैरह ब्लॉक और ये पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ठीक है, और ऑफिस वगैरह की भी छुट्टियाँ, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा यार नहीं जाता। फिर जब हो गया, मेट्रो भी खुल गई, क्योंकि मेट्रो से भी आना पड़ता है ना, आप लोगों को पता है वो नहीं, मतलब रोड साइड हमारी जो साइड है वो मेट्रो के साइड पे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेट्रो में आराम सुकून से आ गए, फिर करीम करके यहाँ तक आ गए, क्योंकि अंदर तो उनको एंट्री देते नहीं है, हमें नहीं देते, उनको क्या एंट्री देंगे भाई जान, तो इसी वजह से भाई के पास आए हमें, और कॉलोनी आ गए, कॉलोनी बाबा जी, ये पास स्कूल छुट्टियाँ नहीं हुई अभी तक, तो वेट कर रहे हैं लोग। बहरहाल मैंने बताया था यार, लेकिन असल में मसला पता है क्या, कि मैंने उनको बताया, लेकिन वो क्या, मैं वो जॉब पे थे, ड्यूटी पे जाते हैं ना सारे जितने भी मेरे कदम आ गए, चार हो जाते हैं, और मेरे अंकल है ना, अल्लाह उनको सेहत दे, बीमार है थोड़े से, तो खैर वो तो ऑफिस जाते नहीं है, रिटायर वगैरह हो गए ना, ठीक है, गवर्नमेंट से, तो वो नहीं जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो इनसे नहीं बोलते, उनको बोल दूँ कि यार गाड़ी करा गया, बाइक करा के उनको इसको बिठा दे, लेकिन बस कज़न को बोल दिया, ऑफिस जा रहे थे, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, और चला जाता हूँ, तो खुद ही मैंने कहा मैं खुद ही जाता हूँ, तो मैं खुद ही आ गया हूँ। तो ये साहब, भाई साहब, हम ये आ गए हैं, कॉलोनी वगैरह मैंने ये जाना पड़ता यार, वो बस बिजी थे, तो इसी वजह से मैंने बोला कि तुम लोग ना आओ, मैं खुद ही आ जाता हूँ, थोड़ा वाक भी हो जाएगा मेरा, तो इसी वजह से आइए ना, ये वो जिसे कहते हैं साइड टाइप रोड है, इसी वजह से। गए नमाज़ पढ़ के आए, ठीक है, अभी जा रहे हैं घर, बारह के साथ साथ ही जा रहे हैं यार, ये थोड़ा मतलब थोड़ी दर्द वगैरह ना पास, तो कज़न वगैरह है वो बाल्टी करने की हमें, और मैंने कहा यार उनको फिर टाइम नहीं मिलेगा ना ऑफिस के टाइम पे, आप लोगों को पता है, मैंने कहा जल्दी जल्दी कोई पीट शेयर वगैरह ठीक सब बालशाह ठीक कर ले तो अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलेगा, फिर लोगों को पता है ना कैश मनी नहीं होता इंसान के पास, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वो कर लो, फिर घर आ जाओ, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद जाएंगे, तो आप लोगों ने कमेंट करना है, ठीक है, और लाइक किया, सो लेट्स गो एंड कंटिन्यू, ओके। जा रहे हैं अभी, ठीक है, भाई है और कज़न है, गाड़ी में जा रहे हैं मेट्रो तक इंशाल्लाह, तो वहाँ से फिर जाएंगे करीम पे, वहाँ से जाएंगे ऑफिस, तो भाई को छोड़ेंगे, फिर अपने पास अपने साइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं हम, ठीक है, मेट्रो कहाँ जा रहे हैं यासीन भाई? मेट्रो स्टॉप। ये मेरा कज़न है, ठीक है, मुझसे बड़ा है, एक साल बड़ा है मुझसे यासीन है, तो किधर लेकर जा रहे हैं आप हमें? मेट्रो स्टॉप। अच्छा, तो देखे हेलो, इधर आ जाओ इधर, ये छोटा भाई है मेरा, ठीक है, तो इसी को लेकर जा रहे हैं, ये सारा प्रोसेस सारा प्लान इसी की वजह से मैंने किया हुआ है, तो इंशाल्लाह दुआएं करें, अल्लाह इसको कामयाबी अता करे, ठीक है, और मेरे जो कज़न है, हमारे जो बड़े भाई है, ठीक है, इनको भी अल्लाह कामयाबी अता करे। सो बात यही है यार कि बस अभी जा रहे हैं, ठीक है, मेट्रो, क्योंकि यार यहाँ से करीम जाने में मतलब करीम करके उसके पास जाना या करीम के लिए वेट करना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसको हमने बताया यार, अंकल ने बताया, हमने बताया कि चलो थोड़ा तक।
तो वह जगह आ गई है मेट्रो, सो मेट्रो में बैठेंगे और जाते हैं। ठीक है, वो भाई हमारे साथ है और यासीन हमें लेकर आया है यहाँ पे।